एवरीवन, वेलकम बैक टू टेली फिल्म्स। वेल, बिग बॉस 14 का 12th एपिसोड भी खत्म हो चुका है और जो जोश और जुनून से कल टास्क की शुरुआत हुई थी, वही जोश और जुनून आज भी कंटेस्टेंट के अंदर नजर आया है। वेल, टास्क तो खत्म हो चुका है, टास्क को कंप्लीट किया गया है। वेल, अगर पिछले सीजन की बात की जाए तो पिछले सीजन में इतने झगड़े होते थे और कंटेस्टेंट खुद ही रद्द कर देते थे सारे टास्क को, वहीं इस बार एटलीस्ट झगड़े तो हो रहे हैं लेकिन टास्क भी पूरे के पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। वेल, मानना पड़ेगा कि टास्क आज पूरा कंप्लीट किया है सभी कंटेस्टेंट विद फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ एनर्जी। सभी ने टास्क बहुत ही बेहतरीन किया है और टास्क कंप्लीट हुआ है। जो डिसीजन, जो हमारी संचालक हैं निक्की तंबोली, उन्होंने जो डिसीजन दिया है, जो पवित्र, एजाज, निशांत और राहुल वैद्य को जिताया है, वहीं उसके बाद तो सवाल काफ़ी उठे हैं कि निक्की जो हैं काफ़ी बायस्ड हैं। लेकिन वो बायस्ड हो या ना हो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि निक्की जो हैं अब सभी के ज़बान पे चढ़ चुकी हैं। फैंस जो बाहर हैं, जो उनके ऑडियंस है, वो देख के इतना पसंद करें निक्की को कि वो तो निक्की के माला जप ही रहे हैं। लेकिन कंटेस्टेंट जो हैं वो नेगेटिव ही सही, लेकिन निक्की सभी के ज़ुबान पर चढ़ चुकी है और जिस तरीके से वो खेल रही हैं लगता है बहुत आगे तक जाएंगी। अब तो घर के अंदर ग्रुप्स भी बढ़ चुके हैं, एक तरफ निक्की, पवित्रा, राहुल, निशांत है तो दूसरी तरफ जास्मिन, रुबीना, अभिनव, शहजाद हैं। मतलब ग्रुप बढ़ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे एजाज कौन से ग्रुप में है। एजाज अभी तक कोई ग्रुप में नहीं है और मुझे नहीं लगता इन दोनों के दोनों ग्रुप में कहीं भी एजाज फिट होंगे, क्योंकि एजाज का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी रूलिंग नेचर है। वो चाहते हैं कि मैं सबको रूल करूं, जो कि पॉसिबल दोनों ग्रुप में नहीं है, क्योंकि एक तरफ पवित्रा है तो एक तरफ रुबीना है। रुबीना जो है वो अपने ग्रुप को रूल करेंगी, पवित्रा जो है अपने ग्रुप को रूल करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि एजाज खान कोई भी ग्रुप में फिट होने वाले। टास्क आएगा तो कभी इस साइड तो कभी उस साइड रहेंगे, लेकिन एजाज जो है वो इंडिविजुअल होके खेलेंगे और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दोनों ग्रुप में वो हिस्सा रहेंगे। वेल, ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टास्क में जो सबसे ज़्यादा हीरो बने हैं वो हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है अपनी, जो एंटरटेनर लगे हैं वो, जो एंटरटेनमेंट दिया है उन्होंने, वो वाकई बहुत लाजवाब है। वेल, राहुल का ये जो शेड जो नज़र आया है एंटरटेनर का, वो सभी को बहुत पसंद आ रहा है। इसलिए तो राहुल वैद्य कल ट्रेंड कर रहे थे सोशल मीडिया पे और आज तो उन्होंने मिमिक्री भी करके दिखा दी। जी हाँ, सभी की, पवित्रा, एजाज, जास्मिन, सभी की मिमिक्री की। भाई, जास्मिन की मिमिक्री से याद आया, जास्मिन की मिमिक्री में जहाँ राहुल वैद्य ने बोला कि हमेशा रोती रहती हैं और कीर्तन करने तो नहीं आए हो ना, तो यही चीज़ मेरा भी सवाल है जास्मिन से, भाई आप कीर्तन करने नहीं आए हो, आप इतने स्ट्रांग हो, कल आप 4 लड़कों के साथ भिड़ गए थे, आप इतने स्ट्रांग होके क्यों अपना वीक पॉइंट सभी को दिखा रहे हो, क्यों रो रहे हो आप? आप इतना स्ट्रांग हो, आप आगे तक जा भी सकते हो, तो ये जो उनका वीक पॉइंट है ना, ये अब उनको दिखाना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो काफ़ी फुलिश नज़र आ रही हैं। आप बिग बॉस के अंदर हो, अगर बिग बॉस के अंदर हो तो आपको गालियाँ, झगड़े सब कुछ सुनने पड़ेंगे। अगर आप पिछले सीजन भी देखोगे तो गाली झगड़े तो कॉमन है यहाँ पे। अगर कंटेस्टेंट नहीं तो सलमान खान और बिग बॉस से गालियाँ पड़ेंगी, तो गालियाँ तो सुनना ही है। आप इतना स्ट्रांग हो तो आपको अपने स्ट्रांगनेस जो है वो आगे तक बरकरार रखनी चाहिए, ना कि अपने वीक पॉइंट दिखाने चाहिए। वेल, रुबीना काफ़ी एंटरटेनिंग रही है। रुबीना ने जिस तरीके से खेला है वो वाकई बहुत एंटरटेनिंग रहा है और रुबीना की दिमाग जो स्मार्टनेस है, भाई मानना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने अपने ग्रुप में ये बात कही थी कि ये हमारा सीक्रेट रहेगा कि एंड में हम कचरा जाके उनके गार्डन में फेंक देंगे, वाकई ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था। और ये चीज़ हिना खान ने भी बोली कि बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था, लेकिन निक्की का जो डिसीजन था वो निक्की का ही डिसीजन था। निक्की का डिसीजन कोई नहीं बदल सकता और उन्होंने टीम बी को नॉमिनेशन से बचा लिया। अब नॉमिनेट जो हुए हैं वो हैं जास्मिन, शहजाद और अभिनव, रुबीना, जान। ये 5 जन जो हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन हो सकता है इस वीक में एलिमिनेट। मैं, मुझे तो ऐसा लगता है शहजाद या तो फिर जान के बीच में। अगर देखा जाए तो जान जो है वो काफ़ी अभी कम नज़र खेल रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं शहजाद के मुकाबले की जाए तो जान जो है वो थोड़ा सा नीचे है। तो अब जान को नॉमिनेट करेंगे लोग, एलिमिनेट करेंगे, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि काफ़ी कुछ इन दिनों चला है नेपोटिज्म एंड ऑल। तो पता नहीं जान को सेव करेंगे और शहजाद को नॉमिनेट करेंगे, वो तो भाई वीकेंड के वॉर में ही पता चलेगा। लेकिन 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 शहजाद और निशान की जो फाइट है ये देखना मैं आगे भी पसंद करूंगी। तो आई जस्ट प्रे कि शहजाद को ना नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि शहजाद और निशान के झगड़े, अगर शहजाद रह गए तो शहजाद और निशान के झगड़े बाकी आने वाले एपिसोड में भी बहुत सारे होने वाले हैं, तो मुझे ये चीज़ देखनी है। तो आई होप, आई प्रे कि शहजाद जो हैं वो नॉमिनेट ना हो। बस आज का एपिसोड आपको कितना अच्छा लगा है, कौन आपको स्ट्रांग लगा है, निक्की आपको बायस लगी है या क्या है, वो जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।